झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद झामुमो के नेता हेमंत सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इससे पहले सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं और विधायकों ने चंपई सोरेन के आवास पर एक बैठक की, जिसमें सर्वसम्मति से हेमंत सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल का नेता चुना गया। इसी बीच एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले का एक अहम बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी टिप्पणी की। एनसीपी शरद चंद्र पवार से सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, सत्यमेव जयते, मुझे बेहद खुशी है कि हेमंत सोरेन अब जेल से बाहर आ गए हैं। हम उनके शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल का भी इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही इस देश में दो मुख्यमंत्री आखिर जेल में क्यों बंद है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद झामुमो के नेता हेमंत सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इससे पहले सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं और विधायकों ने चंपई सोरेन के आवास पर एक बैठक की, जिसमें सर्वसम्मति से हेमंत सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल का नेता चुना गया। इसी बीच एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले का एक अहम बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी टिप्पणी की। एनसीपी शरद चंद्र पवार से सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, सत्यमेव जयते, मुझे बेहद खुशी है कि हेमंत सोरेन अब जेल से बाहर आ गए हैं। हम उनके शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल का भी इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही इस देश में दो मुख्यमंत्री आखिर जेल में क्यों बंद है।